तो भाई लोग लिटरली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैच इतना फाड़ू वाटर लेवल का मैच होगा कि इतने जल्दी चंद घंटों के अंदर मैच फिनिश कर दिया जाएगा एंड उसका फुल बेनिफिट, फुल मतलब मास लेवल बेनिफिट इस फिल्म को मिलेगा। सुबह के मॉर्निंग शोज एंड आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी मॉडरेट लेवल पे थे, आफ्टरनून मॉर्निंग के थोड़े से कम थे एंड आफ्टरनून शोज के कल के कंपेयर में यानी कि सैटरडे के कंपेयर में 10-12% ग्रोथ ज़्यादा था आज के दिन के दोपहर के शोज में। तो अभी मैच का फटाफट खत्म हो जाना, इट्स लाइक श्योर शॉट इवनिंग का शोज कल के शोज से और 20-25% ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेंगे। इसका मतलब इट्स डन साइंस इन लंदन कि आज भी ये फिल्म 38-40 crore का मतलब नंबर्स निकालेगी, क्योंकि कल टोटल 32 crore था इंक्लूडिंग ऑल इंडिया लैंग्वेज के अंदर 32 crore कंप्लीट हो गए थे इस फिल्म के। एंड आज का दिन यानी कि संडे, अपने सेकंड संडे को, इसका मतलब यही है कि कल के कंपेयर में ऑल ओवर ऑन एन एवरेज 30% ग्रोथ हुआ है, 30-35% ग्रोथ हुआ है, जिसके मुताबिक ये फिल्म ईजली ये फिल्म को एटलीस्ट 36-39 crore करना ही चाहिए अगर नाइट शोज और ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेते, बिकॉज कोई मैच सब कुछ खत्म हो गया, पब्लिक पूरा का पूरा मतलब एंजॉयिंग मूड के अंदर में, इवन प्लस परसों फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी है, तो भाई मास लेवल पे इस फिल्म को बूस्टअप मिलने वाला है। अगर ये बूस्टअप 36-39 crore के बीच में कर जाता है आज और कल तो ऑब्वियसली कुछ 14-15 के अंदर होगा, नो डाउट, लेकिन हाँ शाम के शोज उठने के वजह से कल भी शायद ये 17-18 क्रॉस कर सकता है, जिसका मतलब यही है कि ये 3 दिन के अंदर ये फिल्म ईजली ये 3 दिन के अंदर ये फिल्म 70 crore क्रॉस कर देगी। और अगर 70 crore क्रॉस कर देती है दैट मीन्स श्योर एंड श्योर शॉट ये वेडनेसडे तक 500 crore क्लब के अंदर होगी, और 500 crore क्लब के अंदर अगर वेडनेसडे होती है तो जाहिर सा बात है भाई ये फिल्म 600 crore क्लब के अंदर एंट्री मार देगी। तो संडे का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एज ऑफ नाउ मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से 37 crore प्लस होना चाहिए, इवन मे बी नाइट शोज इंक्रीज होने के वजह से, मतलब नाइट शोज का मतलब ग्रोथ ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होने के वजह से ये मेनली मेरे को लग रहा है कि ये 38-39 भी टच कर सकती है, जो कि इसका पूरा का पूरा वीकेंड इसका सेकेंड वीकेंड इसका टोटल 90-100 crore का बना देगा, क्योंकि 38 प्लस कल का 32 मिलाकर टोटल हो जाता है कुछ लगभग 70-80 crore के आसपास। एंड उसके बाद फ्राइडे का लगभग 20 crore था, 70-90 crore का ये वीकेंड हो गया। तो जो नंबर्स मैंने बोले थे इस फिल्म के लिए वो नंबर्स हो चुके हैं एंड द फिल्म इज ऑलरेडी ऑन द वे फॉर द 90 crore सेकेंड वीकेंड। एंड ये फिल्म इस हिसाब से ये फिल्म बराबर अपना मॉडरेट लेवल को पकड़ी हुई है, जो कि 600 crore क्लब का मतलब ड्रीम जो है उस चीज़ के पाथ में ये फिल्म बराबर चल रही है गाइस। तो सेकेंड संडे का कलेक्शंस मोस्ट प्रोबेबली इसका 36-37 crore प्लस होना चाहिए एंड इट्स ह्यूज बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरे को लगा था कि आज और ड्रॉप होगा क्योंकि मैच लगभग 8-9 बजे तक चलेगा, तो मेरे को लगा ड्रॉप हो गया, बट नथिंग गाइस, बोला ना जो सही है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वो बैठा है भाई, वो उसको मतलब सारे रिकॉर्ड्स को तोड़वाएगा, नंबर 1 बना देगा, ये लोग सिर्फ बोलते रह जाएंगे और वो करके चला जाएगा। तो मिलते हैं अपने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और